वेलकम बैक टू द मैथ्स वॉरियर्स। देखिए कमेंट सेक्शन, बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर मेरे 2 नंबर ऊपर हैं, 3 नंबर ऊपर हैं प्री में, तो मैं क्या करूंगा, अब मेरा हो पाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा। आपस में एक दूसरे से पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि तुम लोग टीयर टू की तैयारी करना छोड़ दो, तुम्हारे तो बहुत नंबर कम है, 2 नंबर ही ऊपर है, टीयर टू की तैयारी कर मत करो, ये तक कह रहे हैं एक दूसरे को। वो कह रहा है कि ठीक है नहीं करूंगा, या उतना मन नहीं लग पा रहा है। ऐसे देखिए, इन सारे चीजों से आप दूर रहिए, इन सारी चीजों से आप, इन लोगों से, ऐसे जो भी नकारात्मक लोग हैं उनसे आप दूर रहिए, क्योंकि +2 नंबर +3 नंबर से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, इस बात की गारंटी है, अगर आप ऐसे ही लगे रहेंगे तो। बाकी लक मैटर करता है, वो बात की बात है, लेकिन आप कितना अपना दे रहे हैं वो मैटर करता है। आप कितना 100% अपना कितना दे रहे हैं, 100% दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अगर आपने मन में ये रख लिया कि मेरे 2 नंबर ऊपर हैं तो मैं क्या करूंगा, अब मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो उसी टाइम उसी क्षण आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। आप अपने का 60% 40% देंगे, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, फिर आप कहोगे यार हो सकता था, मैं पहले ही बाहर हो गया। तो वही सारी चीजें हैं, इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि उन सारी चीजों से दूर रहिए जो आपको निगेटिविटी आपके आसपास लाए। आप +2 नंबर हैं, आप परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपना 100% दीजिए। आप टीयर टू 70 नंबर लाइए, 65 नंबर लाइए, लोगों के आते हैं, आपकी क्यों नहीं आएंगे। आप टाइपिंग क्लियर करिए, ठीक है, लोगों की टाइपिंग क्लियर होती है, आपकी क्यों नहीं होगी, आप क्लियर तो करिए, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे अच्छे अच्छे नंबर वाले लोग बाहर हो जाएंगे, बहुत सारे लोग टीयर टू अभी सीजीएल वाले में चले जाएंगे, जो इसमें जिन्होंने पेपर दे रखा है, तो लोग कम हो जाएंगे, आपका अपने आप होगा, कट ऑफ गिरेगी, जो भी कारण रहे होंगे, ठीक है उस टाइम, लेकिन आप अपना 100% दीजिए। तो मैं अपना स्क्रीनशॉट, मेरा एसएससी 2016 का तो नहीं मिला, उसमें तो मैं बिल्कुल मार्जिन से था कि मेरे प्री में ज्यादा नंबर नहीं थे, प्री से बिल्कुल 1-2 नंबर ऊपर थे, लेकिन 17 में तो शायद थोड़े बहुत ज्यादा थे, उसका स्क्रीनशॉट मुझे मिल गया था, उस समय मैंने ले रखा था, तो वो मैं आपको बताता हूं उस से कि कैसा क्या रहा है। तो देखिए आपके स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे आया होगा, देखिए एक स्क्रीनशॉट आ गया होगा, तो मैं बता देता हूं कि ये मेरा है, नाम आप देख रहे होंगे कि सचिन राठौर लिखा हुआ है ये, और ये मेरा स्क्रीनशॉट है, और मैंने ये एसएससी सीएचएसएल 2017 का है, किसका है, सीएचएसएल 2017, ये मेरा स्क्रीनशॉट है, और देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर, आप रोल नंबर चाहे तो आप जाके अपना चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अब सबसे पहले मैं बता देता हूं कि देखिए इंग्लिश में मेरे कितने नंबर थे, इंग्लिश में देखिए मेरे नंबर थे 35, कितने नंबर थे 35 नंबर, और रीजनिंग में कितने नंबर थे, रीजनिंग में मेरे नंबर थे 47 और मैथ में 45 थे, और जीएस में 22.5 नंबर थे, और टोटल मेरा नंबर बन रहे थे 150। तो मेरा एक तरीके से देखते हैं कि मैथ और रीजनिंग स्ट्रांग था, किसी का इंग्लिश स्ट्रांग होता है तो रीजनिंग और इंग्लिश स्ट्रांग होता है, किसी का मैथ रीजनिंग स्ट्रांग होता है, किसी की जीएस स्ट्रांग होता है, टोटल मेरे 150 नंबर आए थे, ठीक है। और इसकी कट ऑफ गई थी 143.5, ठीक है 143.5 कट ऑफ गई थी, यानी मेरे 7 नंबर ऊपर थे, कुछ ज्यादा खास ऊपर नहीं थे, लोगों के तो इस बार 160 कट ऑफ गई है, आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा गई हुई है। तो ये सारी चीजें बहुत, देखिए इस बार क्या है ना, इस बार नॉर्मलाइजेशन का भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। इस समय के जो 150 नंबर मेरे है ना, शायद उस समय के जो 150 नंबर है, शायद इस समय के 170 नंबर है मेरे, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं बता रहा हूं, मैं क्योंकि ये बता रहा हूं कि पहले क्या थी कि शिफ्टें कई सारी तो होती थी, लेकिन किसी अगर टफ शिफ्ट आ गई तो उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता था, या जिसकी सरल आ गई तो उसको कोई ये नहीं कहने वाला था कि यार तुम्हारी सरल थी, तुम्हारे नंबर कम होने चाहिए। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन हुआ, सारी चीजें चली, लेकिन अब नॉर्मलाइजेशन में भी इतना ज्यादा कर रखा है कि कभी किसी इतने ज्यादा नंबर मिल जाते हैं, कभी किसी को बहुत कम मिलते हैं, तो किस पर्पज से कैसे कर रही है वो तो एसएससी जानेगी कैसा क्या चल रहा है। लेकिन अब अपना देखिए कि आपको कितने नंबर मिले हैं और कितना आप कट ऑफ से ऊपर हैं, आपकी कट ऑफ क्लियर हो गई है, बस आप उसी टाइम से अपना 100% देना चालू कर दीजिए। टीयर टू में उसी तरीके से चलिए, ठीक है, टीयर थ्री जो टाइपिंग कहते हैं आप उसमें भी बढ़िया तरीके से चलिए। देखिए मेरे उतने ज्यादा नहीं है, वही मैं कह रहा हूं कि 6.5 नंबर या 7 नंबर कोई बहुत ज्यादा नंबर नहीं कह सकते हैं। इससे 16 वाले का तो स्क्रीनशॉट नहीं है मेरे पास, उसमें दिखाता हूं मैं, आप केवल 1-2 नंबर ऊपर था मैं, ठीक है 1-2 नंबर ही ऊपर था,
तो बहुत आगे नेक्स्ट वीडियो में अगर मुझे वो स्क्रीनशॉट मिलता है तो उस वीडियो में बताऊंगा कि यार बहुत कम मार्जिन से मेरा सिलेक्शन हुआ था और फाइनल तक मेरा कम मार्जिन से हुआ। ये नहीं कि प्री भी बहुत लास्ट मोमेंट में बिल्कुल एक दो नंबर ऊपर था, फिर इसके बाद टीयर टू में भी ऐसे ही था और टीयर थ्री तक लास्ट तक फाइनल जो कट ऑफ हुई उसमें भी मेरे कुछ ही नंबर थे। जो 188 गई थी तो 190 नंबर मेरे थे, 95.5 नंबर। तो वही चीज है, उसका स्क्रीन मिलता नेक्स्ट वीडियो में उसको बताऊंगा कैसे क्या है। तो वही चीज है, आप देखिए टीयर टू में, आप देखिए अब मैं कह दूं 7 नंबर ऊपर थे, कोई मुझसे कहे कि यार सर अब मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं है, बहुत लोगों से पूछूं या नकारात्मक लोग जो आसपास कहते रहते हैं कि नहीं होगा तुम्हारा यार, तुम तैयारी मत करो। तो वही चीज आप देखिए टीयर टू में मेरे 65 नंबर आए, अगर यही मेरे 55 नंबर आते तो शायद मैं मुझे ये नौकरी नहीं मिलती 2017 की, नहीं मिलती। अब देखिए 55 से नंबर लाने और 65 नंबर लाने में 10 नंबर से मेरा सिलेक्शन हुआ, मुझे होम टाउन मिली। आप ये चीज देखिए, और होम टाउन कैसी मिली, इस चीज का प्रेफरेंस भी बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है, प्रेफरेंस का भी आप जब 18 वालों के लिए 19 वालों जब आप सिलेक्ट होंगे आगे कैसे क्या प्रेफरेंस डालनी है वो सारी चीजें भी मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे क्या प्रेफरेंस है और कैसे क्या सारी चीजें होती हैं यार, हर चीज सिस्टमेटिक होती है। तो प्रेफरेंस आप सिस्टम से करेंगे तो आप प्रेफरेंस भी चलती रहेगी आपकी, उस पर भी वीडियो लाऊंगा मैं। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ कि टीयर टू में अगर मेरे 55 नंबर आए होते तो शायद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ होता। तो वही चीज कर रहा हूँ, टीयर टू में आप मेहनत करिए, टाइपिंग निकालिए, आपका सिलेक्शन होगा। तो देखिए टोटल नंबर मेरे बने थे 215 और कट ऑफ गई थी 204 नंबर। ठीक है, या अगर उसकी माने पीए की माने तो 212 नंबर गई हुई थी कट ऑफ, 212, यानी कि कुछ खास ऊपर नहीं थे, 3 नंबर ऊपर थे, लेकिन होम टाउन मिली मुझे। अब होम टाउन भी मैं ये कह देता हूं कि मुझे 3 नंबर से होम टाउन मिली वो प्रेफरेंस में मैटर करता है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे तो इसी तरीके से आपको वीडियो पर वीडियो मिलते रहेंगे। तो वही मैं कह रहा हूं कि 212 नंबर कुछ खास कट ऑफ से मेरे ज्यादा नहीं थे, 215 नंबर ही केवल मेरे थे। तो वही कर आप लोगों को तो इस बार बहुत ज्यादा ज्यादा नंबर आए हैं यार, अगर कट ऑफ से थोड़े भी ज्यादा है तो आप निराश मत होइए, मैं तो यही कह रहा हूँ, आप निराश मत होइए, आपका सिलेक्शन होगा, आप बस अपना 100% देते रहिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।